अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी, उसमें हमारा इकाई 14 हम भारत की शान है देखेंगे। हम भारत की शान है, आगे देखिए। ये एक काव्य है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये गा रहे हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। बच्चे कह रहे हैं कि हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है। हमसे यानी बच्चों से ही धरती टिकी हुई है, यह आसमान भी हमसे ही फैला है। अगर बच्चे ही नहीं होते तो क्या होता, हम देख सकते हैं। आगे देखिए, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। यहाँ पे बगिया भी हमें दिखाई दे रहा है। फूल है हम इस बगिया के, बगिया में जैसे फूल महकते हैं वैसे ही इस धरती के हम फूल है, और हम भी अच्छे अच्छे कामों से महकेंगे, यानी महान कार्य करेंगे। हम इस बगिया देश के फूल है, हमारा काम खुशबू फैलाना है। हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे और महान कार्य करते रहेंगे। बच्चे क्या कहते हैं कि हमारा देश एक बगिया है और उस देश के हम छोटे छोटे फूल है, तो हम हमारी खुशबू फैलाएंगे। खुशबू फैलाना यहाँ पे कौन से इंटेंस में दिया गया है कि हम अच्छे अच्छे महान कार्य करेंगे, हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। क्या कहते हैं बच्चे? ऊंचे ही उठते जाना है, यानी हम अभी छोटे हैं, हम बड़े होकर ऐसे कार्य करेंगे कि जिससे हम हमारा खुद का और हमारे देश का विकास करेंगे। आगे ही बढ़ेंगे, बड़े चलेंगे, नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। यहाँ पे देखो, सब बच्चों की ख्वाहिश है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट बना हुआ है, सब फैक्ट्रीज है, पायलट है, मेट्रो ट्रेन है, यानी हमारे देश की तरक्की होगी जब हम बड़े हो जाएंगे। हमें आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बच्चे क्या कहते हैं? हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ज़रा भी रुकेंगे नहीं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, हम तो भारत की शान है। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। ये जो हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप हमारे बच्चे हो, तो आप ही हमारे देश का भविष्य हो। आगे चल के आप में से ही कोई बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई बड़ा इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा? वे हमारे देश की शान है, इस कविता में हमें यह बताया गया है। यानी बच्चे हमारे देश का विकास करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, यानी पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। वो बच्चे खुद का, उनके माता पिता का, सबका नाम रोशन करेंगे। इस कविता में
इस छोटी सी कविता में हमें ये समझूती दी गई है बेटा। समझ में आया सबको? ओके, अल्लाह हाफिज़।